दोस्तों किचन कुक फोर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में तंदूरी पनीर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी है। और आप हमारा वीडियो देखेंगे शुरू से, उसमें हम शिमला, कांदा, टमाटर ये सारी चीज़ें कटिंग करके दिखाएंगे, क्या पीसीस, क्या साइज कैसे काटा जाता है। उसके बाद में पनीर कटिंग दिखाएंगे और फिर मसाला बनाने का तरीका बताएंगे और लास्ट में आपको पका करके दिखाएंगे दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल किचन कुक फोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए अब आपको हम बताते हैं तंदूरी पनीर बनाने का तरीका। तो आपको कांदा, शिमला, टमाटर पहले कटिंग करके दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कांदा टमाटर का पीसेस कटिंग करके रखा हुआ है और इसी तरीके से आपको टमाटर के पीसेस जो है कटिंग कर लेना है। आप देख रहे हैं इसमें। और उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं प्याज। प्याज को ऑलरेडी हमने छील के कटिंग करके रखा हुआ है। कटिंग करने के बाद में आपको उसका छिलका इसी तरीके से निकाल लेना है। तो आपने देखा ये हमने कांदे के टुकड़े निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, मतलब डाल के रख दिए हैं। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको ये पीसेस का सहित जो है कांदे का काट के रख लेना है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है शिमला। शिमला आपको इसी तरीके से जो है कटिंग कर लेना है। आपको मैं इसमें सब बहुत आसान और सरल बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। कटिंग करने के बाद में आप देख रहे हैं नीचे से इसी तरीके से इसको कटिंग कर देना है। फिर ये साइड से हल्के चाकू से आपको इसी तरीके से जो है ये देखें आप, ये इसका जब नीचे का खोल निकालेंगे तो चाकू जो है बहुत हल्के हाथ से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है शिमला बहुत नाजुक होता है। अगर आप फास्ट कटिंग करेंगे तो चाकू आपके हाथ में भी लग सकता है, इसके लिए जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। तो ये देख रहे दोस्तों शिमला का जो टुकड़ा पीसेस जो है वो भी इसी हिसाब से होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये बड़ा कितना है, इतना होना चाहिए। तो ये आपने देखा हमने इसमें टमाटर, प्याज, शिमला कटिंग करके आपको दिखाया। और अब हम आपको आगे पनीर कटिंग बताने जा रहे हैं। आप देखते जाइए उसमें पनीर के पीसेस क्या साइज होने चाहिए, जो पकाने में बहुत परफेक्ट हो और दिखने में भी अच्छा लगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं पनीर कटिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पनीर लिया हुआ है और आपको इसी तरीके से जो है कटिंग करना है। ये तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हम आपको पनीर कटिंग बता रहे हैं, आप पीसेस देख रहे हैं, ये साइज का जो है पीस होना चाहिए आपका।
ये पीस दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और साइज बहुत परफेक्ट है। अगर आप होटल लाइन में भी आप ऐसा यूज करेंगे तो कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि मेरे को जो क्वांटिटी है वो कम है, क्योंकि इसके पीस ही इतने बड़े बड़े हैं। जब माल पक जाएगा, पकाने के बाद में आपको यहाँ से ऐसे कटिंग कर सकते हैं, एक का दो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये परफेक्ट साइज हमारा कटिंग। आपने देखा हमारा पनीर कटिंग, आप पीसेस देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये परफेक्ट साइज है, इसमें कोई कंप्लेन निकाल नहीं सकता कि आपके पीसेस छोटे हैं या बड़े हैं। तो आपने देखा ये हमने पनीर कटिंग करके दिखा दिया, अब आपको मसाला बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पनीर तंदूरी बनाने का मसाला बनाने का तरीका। आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे मसाला सब ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये 1 किलो दही है और आपको 1 किलो पनीर का नीचे डिस्क्रिप्शन में मसाला और सब चीज़ें कितना मात्रा पड़ता है वो आपको दे देंगे। ये देख रहे हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये 2 चम्मच है। ये मिर्ची पेस्ट 1 चम्मच, ये अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच सादा नमक, इसको आप अपने बाद में टेस्ट अनुसार ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और ये किचन किंग मसाला 1 चम्मच, ये गरम मसाला हमारे हाथ का बना हुआ है 1 चम्मच, ये आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और ये वाला जो आइटम देख रहे हैं आप, ये है चाट मसाला 1 चम्मच, ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल कर इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दिया। और अब हम इसके अंदर एक टुकड़ा नींबू डाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं कलर। ये सारी चीज़ें देखा आपने डाला, उसके बाद में हमने सरसों का तेल इसके अंदर डाल दिया 150 ग्राम। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाला, अब इसको इसी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा पनीर तंदूरी बनाने का मसाला, और अब आगे हम आपको इसमें पीसेस डाल करके सरिया में भर के पका करके दिखाएंगे पूरा वीडियो। तो आपने देखा दोस्तों, अभी तक हमने जो आपको बताया कटिंग मसाला, और अभी सरिया में भर कर आप देख रहे हैं हम इसको भर रहे हैं, भरने के बाद आपको सेक कर दिखाएंगे। इसी तरीके से आपको सरिया में भरना है।
ये देखा दोस्तों आपने, ये हमने भर के दिखाया आपको, और आगे हम आपको इसको सलिया में सिकड़ी पे सेक के दिखा रहे हैं, जैसे आपने देखा भरते हुए, अभी इसको हम सिकड़ी को पकड़ दे रहे हैं। कपड़े मिला लो, चिकन तंदूरी पनीर पका करके आपको दिखाया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा, कितना मतलब परफेक्ट दिख रहा है, आप देख रहे हैं हमने आपको पका के दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए।